Hey guys, welcome back to another video in my channel. आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ इंडोर फोटोशूट का कुछ क्रिएटिव ट्रिक्स। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, घर पे अगर लाइटर हो तो लाइटर को हाथ पे लेके लाइटर पे सिर्फ फोकस रखते हुए हम लोग इस फोटो को क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, लाइटर पे फोकस रखते हुए फ़ोटो को क्लिक कर लेंगे, बहुत ही अमेजिंग फ़ोटो आएगा, आप देख ही सकते हैं। और इस फोटो को अब मैं थोड़ा एडिट कर लूँगा लाइटरूम पे, कलर को कॉन्वर्ट कर लेंगे मूडी ग्रीन पे। जल्दी जल्दी से मैं एडिटिंग कर लेता हूँ लाइटरूम पे, आप भी जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना नए हैं तो मैं जल्दी जल्दी से इधर से लाइटरूम पे एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद इस फोटो को कन्वर्ट करूँगा फिर से पिकशर्ट पे, पिकशर्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, उससे पहले लाइटरूम का एडिट फिनिश हो जाए। लाइटरूम पे एडिट फिनिश हो जाने के बाद हम फोटो को शेयर कर लेंगे पिकशर्ट पे। पिकशर्ट पे आने के बाद स्टिकर पे आएंगे और स्टिकर पे फायर लिख के जो फायर वाला स्टिकर है उसको ले लेंगे और इधर एडजस्ट कर लेंगे। स्टिकर सेट करने के बाद हम लोग एडजस्ट कर लेंगे और हमारा फोटो इधर रेडी है। पिक नंबर टू, हम लोग हमारा ईयरफोन ले लेंगे और ईयरफोन का एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और इस फोटो को भी हम लोग लाइटरूम पे एडिट कर लेंगे थोड़ा कुछ इस तरीके से। मैं जल्दी जल्दी से एडिट कर लेता हूँ लाइटरूम पे, कलर को कॉन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, पीछे वाला बैकग्राउंड को डार्क में कॉन्वर्ट कर लेंगे, ग्रीन कलर को पूरा डार्क में कन्वर्ट कर लेंगे। और इधर से कलर कन्वर्ट हो जाने के बाद हम लोग ये वाले फ़ोटो को भी पिक्सेट पे कन्वर्ट कर लेंगे यानी शेयर कर लेंगे। मैं जल्दी जल्दी से एडिट कर लेता हूँ इधर से। लाइटरूम पे एडिट फिनिश हो जाने के बाद पिक को मैंने पिक्सेट पे कन्वर्ट कर लिया और इस बार भी हम लोग आएंगे पिक्सेट के स्टिकर पे। स्टिकर पे हम लोग सर्च करेंगे म्यूजिक नोट्स, हमारा जो एक नोट्स है कुछ भी नोट्स, आपको जो भी पसंद आए म्यूजिक नोट्स का उसको, उस नोट्स को आप लोग आपका ईयरफोन का स्पीकर जो है स्पीकर के सामने सेट करिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ब्लेंड पे आइए, ब्लेंड पे आने के बाद मल्टीप्ले पे क्लिक कीजिए, इधर स्टिकर को एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट हो जाने के बाद फिर से एक और बार स्टिकर पे आएंगे हम लोग। स्टिकर पे आने के बाद इस बार सर्च करेंगे हम लोग म्यूजिक प्लेयर, इस बार सर्च करेंगे हम लोग म्यूजिक प्लेयर और कोई भी एक म्यूजिक प्लेयर हम लोग ले लेंगे और इसको भी साइड पे एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत ही क्रिएटिव फोटो आएगा, आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है फ़ोटो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक और दिखाता हूँ, मैं एक और फ़ोटो क्लिक किया था और उसको भी कुछ इस तरीके से क्रिएटिव तरीके से एडिट किया। ट्रिक नंबर थ्री, इस बार आपको एक कॉइन का ज़रूरत पड़ेगा और थोड़ा राइस का ज़रूरत पड़ेगा और एक पेपर का ज़रूरत पड़ेगा, वाइट पेपर। उसके बाद आप फ़ोन को उल्टा करके फ़ोटो क्लिक कीजिए और इस वाले फ़ोटो को भी मैं लाइटरूम के मदद से थोड़ा बहुत कलर को कन्वर्ट कर लेता हूँ, बहुत ही क्रिएटिव लगेगा आप देख ही सकते हैं। जल्दी जल्दी से मैं इसका कलर को कन्वर्ट कर लेता हूँ मूडी ऑरेंज पे। तो आप देख ही सकते हैं कैसे अमेजिंग क्रिएटिव लग रहा है फोटो। ट्रिक नंबर फोर, हम लोग को इस बार एक पीछे वाला बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग वाइट पेपर से बैकग्राउंड बना लिया और फोटो को कुछ इस तरीके से क्लिक कर लिया दो लेमन लेके, और इस फोटो को भी लाइटरूम पे थोड़ा बहुत एडिट कर लेंगे, कलर को कन्वर्ट कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर को थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज कर देंगे और कलर को भी चेंज कर लेंगे। और इस फोटो को भी हम लोग लाइटरूम का एडिट हो जाने के बाद हम लोग पिक्सेट एप्लीकेशन पे कन्वर्ट कर लेंगे यानी शेयर कर लेंगे। जल्दी जल्दी से मैं लाइटरूम का एडिट कर लेता हूँ और एडिट हो जाने के बाद हम लोग एडिट किया फ़ोटो शेयर कर लेंगे पिक्सेट एप्लीकेशन पे। पिक्सेट एप्लीकेशन पे शेयर कर लेने के बाद
हम लोग ऐड फोटो पे आएंगे। ऐड फोटो पे आने के बाद हम लोग स्टिकर सेट करेंगे। मैं स्टिकर पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं स्टिकर का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इधर से दो स्टिकर ले लिया और स्टिकर को थोड़ा क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरीके से। क्रॉप कर लेने के बाद हम लोग इस स्टिकर को एडजस्ट कर लेंगे अब लेमन पे। इसको भी थोड़ा क्रॉप कर लिया। उसके बाद स्टिकर को हम लोग लेमन पे सेट कर लेंगे। उसके पहले हम लोग को आना पड़ेगा ब्लेंड पे। ब्लेंड पे आने के बाद हम लोग इधर से डर्कन जो है ब्लेंड का उसको क्लिक करेंगे और इधर से एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद दूसरी वाले स्टिकर को भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ब्लेंड पे आके मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लिया इधर से। आप देख ही सकते हैं बहुत ही अमेजिंग और क्रिएटिव लगेगा। उसके बाद फोटो को हम लोग राइट करके सेव कर लेंगे। ट्रिक नंबर 5, हम लोग कुछ कॉइन को इस तरीके से रख देंगे नीचे और एक लाइट लेके पीछे से हम लोग लाइट को कॉइन पे डालेंगे कुछ इस तरीके से। और इस फोटो को भी क्लिक कर लेने के बाद हम लोग लाइट रूम पे एडिट कर लेंगे। बहुत ही क्रिएटिव लगेगा फोटो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों वीडियो कैसा लगा। ऐसे क्रिएटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाते रहूँगा। वीडियो को आप लोग शेयर करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चाहिए।